और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदा, महिमा हो खुदा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा। जिंदगी यीशु देता है, जिंदगी यीशु देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है, लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है, लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि यर्मिया 17 अध्याय उसका 9 आयत में कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, सबसे बढ़कर धोखेबाज, और इसको असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, खुदावंद इस रोग से हमें निजात देता है। इज़ेकियल 36 में खुदावंद का कलाम कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। हालेलुया, ये साध्य रोग क्या है, क्यों खुदावन ने मार खाई, क्यों खुदावन ने कोड़े खाए, खुदावन के कलाम में लिखा है यशाया की पुस्तक में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, यीशु मसीह
हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं घायल हुआ। ये जरूर है कि वो शारीरिक तौर पर भी रोगों को मिटाता है, चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह का धरती पर आने का मकसद शारीरिक चंगाई नहीं था। शरीर तो नाशवान है। कलाम कहता है हम भाप के समान है जो थोड़ी समय दिखाई देती है। कलाम कहता है हम घास के समान है जो सूख जाती है, फूल के समान है जो मुरझा जाते हैं, हम पानी के बुलबुले जैसे हैं जो थोड़े समय के लिए है। हमारा इस पृथ्वी का जीवन, लाजर मुर्दों में से जिंदा हुआ लेकिन क्या आज तक जीवित है? वो इस धरती पर नहीं रहा। ये जीवन पार करके हम अनंत जीवन पाते हैं। तो शारीरिक चंगाई के कोई मायने नहीं है। प्रभु दे तो अच्छा है, प्रभु ना भी दे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन असल चंगाई हमें किन चीजों से पाना है, असल शिफा कौन सी बातों से चाहिए, हमें कौन से रोग से चाहिए। यहां पर लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसे उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। चंगाई किससे? अपराधों से। शिफा किससे? हमारे धर्म के कामों से। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा लेता है। जब खुदावंत कहता है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, तो कौन सा बोझ खुदावंत कह रहा है? आत्मिक बात करता है या शारीरिक बात करता है? कौन से बोझ खुदावंत के ऊपर डालने के लिए कहा है? यूहन्ना उसको गवाही देता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को ढोता हुआ जा रहा है, वो हमारे पापों का बोझ उठाता है। हाँ, हमारी जरूरतों का भी उठाता है, लेकिन मुख्य क्या? मुख्य क्या? थोड़े दिन पहले मैं कलाम में पढ़ रहा था, ये राजाओं की पुस्तक में एलिया के विषय में। विधवा कहती है मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अकाल पड़ा है, हम आखिरी भोजन करके मरने वाले हैं। एलिया कहता है पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। तो विधवा उसकी बात को सुनती है। कलाम कहता है पूरा अकाल भर उनके घर से आटा और तेल खत्म नहीं हुआ, पूरा अकाल में। उसके बाद उस विधवा का बेटा मर जाता है और वे एलिया से प्रार्थना करती है, बोलती है कि मैंने तो भलाई किया, मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। तब एलिया उस लड़के के ऊपर लेट जाता है और वे लड़का जीवित हो जाता है, प्रार्थना करता है उस लड़के के लिए तो वो मुर्दा जीवित हो जाता। वो औरत कहती है अब मैंने जाना है कि वाकई में तू नबी। ये ऐसी सोच क्यों है हमारी? कोई बड़ा काम हो तभी हम जाने कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ, ऐसा विचार क्यों है? यीशु मसीह कहता है इस संसार के व्यभिचारी चिन्ह मांगते हैं, हम चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? चमत्कार बड़े काम क्यों ढूंढते हैं? खुदावंत करता है लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं है, पहल इसको नहीं है। पहल है हमारी आत्मिक चंगाई, आत्मिक शिफा। हालेलुया। पहल है जीवन, अनंत जीवन।
जिंदगी को, जिंदगी यीशु देता है। जीवन कोई चाहता नहीं, जीवन के लिए कोई यीशु मसीह के पास आता नहीं। बहुत से चेले यीशु मसीह को छोड़ गए और आगे को उसके साथ ना चले। यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहता है, तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। पतरस कहता है कि प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। कितने हैं जो जीवन को पाने के लिए खुदावन के पास आते हैं, जिंदगी के लिए आते हैं। जिंदगी को, जिंदगी यीशु देता है। जिंदगी को, जिंदगी यीशु देता है। सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। देखिए, इस गीत को लिखने वाला पहले लाइलाज की चर्चा करता है, ऐसे रोगों की चर्चा कर रहा है जो कोई ठीक नहीं हो सकते, जिनका कोई इलाज नहीं। और पहले ही स्टेंजा में, पहले ही भाग में वो कहता है कि जिंदगी तो यीशु मसीह देता है और सब गुनाहों को यीशु मसीह ही मिटाता है। ये वो लाइलाज बीमारी है जिससे खुदावंद हमें शिफा देता है। हालेलुया। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। मसीहा देता है, मसीहा, मसीहा, मसीहा देता है। मसीहा देता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। उसकी प्रस्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। देता है
जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। रू से भरकर गाए, लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। मसीहा देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, देता है डूबतों को आसरा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। मुफ्त यीशु देता है, मुफ्त मुक्ति शांति यीशु देता है, आंसुओं को फिर सुखा मसीहा देता है, आंसुओं को फिर सुखा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है।
पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, हालेलुया Hallelujah.
हालेलुया 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 तू बताता रहे तू सिखाता रहे दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे तू बताता रहे तू सिखाता रहे दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे मसा से तेरे जब तू जंबेश करे हम पे छाया रहे रूहे पाक हम परस्तिश यूं करता रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु खुदावन हम प्रस्तुत करते हैं आपकी तारीफ करते हैं खुदावन We praise you, Master, hallelujah. We praise you, Jesus, hallelujah. We worship your holy name, Lord. Worship your holy name, Lord. Worship your holy name, Lord. Worship you, Master, hallelujah. Worship you, Master, hallelujah. Worship you, Master, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद मेरे परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी महिमा हो आदर के योग्य है धन्यवाद धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 खुदावन्नो उड़ीक दे रे आराम नल मेरी जान खुदावन्नो उड़ीक दे रे आराम नल मेरी जान के ओस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान ओस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी जान दा केला है
ओ मेरी जान दा किला है। खुदावंद मेरी जान का किला है। नजात पनागा, नजात पनागा, नजात माने उधार, पनागार पना देने वाला। ओ मेरी जान दा केला है, वो मेरी जान के लिए किला है, जहां पर मैं शरण पाता हूं, जिसके अंदर मैं छुपता हूं, जिसके चारों ओर पहरेदार है, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मजबूत किला है। ओ मेरी जान दा केला है, ओ मेरी जान दा केला है। नजात पनागा, नजात पनागा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा, इसलिए मैं स्थिर हूं, खुदावंद मुझे टलने ना देगा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदावन्नु उड़ीक दे रे आराम नाल मेरी जान, उड़ीक दी माने इंतजार करते रह, खुदावन को खुदावन की बाट जोते रहो, खुदावन का इंतजार करें। खुदावन्नु उड़ीक दे रे आराम नाल मेरी जान, के ओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, मेरी उम्मीद मेरी आशा केवल खुदावन खुदा है, वही मेरी चट्टान है। के ओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, खुदा थी मेरी है नजात, खुदा थी मेरी है नजात, है ओस थी मेरी शान, है ओस तो मेरी शान, खुदावंद मेरा उद्धार और मेरी महिमा का विषय है, मेरा आदर उसी से है, मेरी इज्जत वही है, मेरी शान खुदावन खुदा है। खुदा ती मेरी है नजा, खुदा ती मेरी है नजा, है ओस तो मेरी शान, है ओस तो मेरी शान, खुदावन मेरी पना है, जोर मेरे दी चट्टान, खुदावन मेरी पना है, जोर मेरे दी चट्टान, खुदावन्नु उड़ीक दे रे आराम नाल मेरी जान, के ओस
हालेलुया। आसो दे ओ तेरा खोसा, आसो दे ओ तेरा खोसा, ए उम्मतों सदा, ए उम्मतों सदा। उम्मतों माने जनरेशंस, हे पीढ़ी पीढ़ी के लोगों, खुदावंद के ऊपर अपनी आशा रखें। आसो दे ओ तेरा खोसा, आसो दे ओ तेरा खोसा, ए उम्मतों सदा, ए उम्मतों सदा। झुकाओ दे अग्गे दिल के, ओ हो है खुदा, झुकाओ दे अग्गे दिल के, ओ हो है खुदा। उसके आगे अपने हृदय को झुकाएं, क्योंकि वही खुदा है, वही ईश्वरों का ईश्वर है। उसको छोड़ कोई दूसरा खुदावन खुदा नहीं है, उससे पहले कोई ना था, उसके बाद भी कोई नहीं होगा, अंत में भी वही हमको मिलेगा। उसे सामने अपने हृदय को झुकाए, झुकाओ दे अगे दिल के, ओ हो है खुदा, झुकाओ दे अगे दिल के, ओ हो है खुदा। खुदावन्नो ओडे दे रे आराम नाल मेरी जान, खुदावन्नो ओडे दे रे आराम नाल मेरी जान, के उस तो मेरी है उम्मी, ओ मेरी है चट्टान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। धन्यवाद, शुक्रगुजारी की भेंट उसके सम्मुख चढ़ाएं, उसके धन्यवादी हों, उसका धन्यवाद करें। वे आदर के योग्य है, स्तुति प्रशंसा के योग्य है। उसकी महिमा करें, चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना, चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना। दुख की घड़ी में चेहरा दिखा, दुख की घड़ी में चेहरा दिखा, तुझसे है मेरी ये इल्तिजा, मैं तुझको पुकारूं तू सुन ले खुदा, मैं तुझको पुकारूं तू सुन ले खुदा, तू ही मेरा हमदम जिंदा खुदा, तू ही मेरा हमदम जिंदा खुदा।
तू ही मेरा हमदम जिंदा खुदा। हालेलुया। चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना। चरनी में आने वाले आ मेरे अपना मुझे बना। अपने लहू से धो दे मुझको, अपने लहू से धो दे मुझको, दे दे जीवन नया, दे दे जीवन नया। चरनी स्वागत करें अपने हृदय में, अपने हृदय के दरवाजे उसके लिए खोलें। चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना। दुख की घड़ी में चेहरा दिखा, दुख की घड़ी में चेहरा दिखा, तुझसे है मेरी ये इल्तिजा। दुख की घड़ी में चेहरा दिखा, दुख की घड़ी में चेहरा दिखा, तुझसे है मेरी ये इल्तजा। मैं तुझको पुकारूं सुन ले दुआ, मैं तुझको पुकारूं तू सुन ले खुदा। तू ही मेरा हमदम जिंदा खुदा, तू ही मेरा हमदम जिंदा खुदा, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा हमदम जिंदा खुदा। चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे गुस्से ने तेरे जिंदा खुदा, गुस्से ने तेरे जिंदा खुदा, उठा के मुझे दूर फेंक दिया, उठा के मुझे दूर फेंक दिया। छाया की मानिंद ढल मैं गया, छाया की मानिंद मैं गया, घास के जैसे सूख गया, घास के जैसे सूख गया। गुस्से में तेरे जिंदा खुदा, उठा के मुझे दूर फेंक दिया। छाया की मानिंद ढल मैं गया, छाया की मानिंद ढल मैं गया, घास के जैसे सूख गया, घास के जैसे सूख गया। चरनी में आने वाले आ
अपना मुझे बना, चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना, मेरे सर पे शफकत का साया करे, मेरे सर पे शफकत का साया करे, सभी लानतें मुझसे दूर करे, सभी लानतें मुझसे दूर करे, मेरे सर पे शफकत का साया करे, मेरे सर पे शफकत का साया करे, सभी लानतें मुझसे दूर करे, सभी लानतें मुझसे दूर करे, मेरे सारे रोगों को चंगा करे, मेरे सारे रोगों से चंगा करे, उकाब के मानिंद जमा भी करे, उकाब के मानिंद जमा भी करे, उकाब के मानिंद जमा भी करे, चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना, मेरी बिगड़ी सूरत को फिर से सजा, मेरी बिगड़ी सूरत को फिर से सजा, अपने मानिंद तू मुझको बना, अपने मानिंद तू मुझको बना, मेरे सारे पापों से मुझको छुड़ा, मेरे सारे पापों से मुझको छुड़ा, पाक है तू मुझ, पाक है तू पाक बना, पाक है तू पाक बना, चरनी में आ अपना मुझे बना, चरनी में आने वाले आ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना, जान लुटा अपना मुझे बना, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना, अपना मुझे बना, अपना मुझे बना, अपना मुझे बना, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना,
मेरी बिगड़ी सूरत को फिर से सजा, मेरी बिगड़ी सूरत को फिर से सजा। अपने मानिंद तू मुझको बना, अपने मानिंद तू मुझको बना। मेरे सारे पापों से मुझको छुड़ा, मेरे सारे पापों से मुझको छुड़ा। पाक है तू मुझको पाक बना, पाक है तू मुझको पाक बना, पाक है तू मुझको पाक बना, पाक है तू मुझको पाक बना। चरनी में आने वाले हाँ मेरे दिल में आ, जान लुटाने वाले अपना मुझे बना। अपने लहू से धो ले मुझको, अपने लहू से धो ले मुझको, दे दे जीवन नया, दे दे जीवन नया, दे दे जीवन नया, दे दे जीवन नया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदावन, महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदावन, महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदावन, महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो खुदावन, महिमा हो खुदावन, महिमा हो खुदावन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवादी हैं खुदावन, शुक्रगुजार हैं खुदावन, हम आभारी हैं। हालेलुया, हम आभारी हैं खुदावन, आभारी हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंद। स्तुति महिमा के योग्य खुदावंद, स्तुति महिमा के योग्य खुदावंद, स्तुति महिमा के योग्य खुदावंद, स्तुति महिमा के योग्य खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदावन, 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 महिमा हो मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु खुदावन। हमें अपने भय में चलना सिखाएं, हमें अपने भय में चलना सिखाएं, हमें अपने डर में चलना सिखाएं खुदावंद। हालेलुया, आपका अनुग्रह हम पर हो खुदावंद, आपका अनुग्रह हम पर हो खुदावंद, आपका अनुग्रह हम पर हो, आपके तमाम भक्तों के ऊपर आपकी कृपा हो खुदावंद। हालेलुया, इस छोटे झुंड के ऊपर आपकी कृपा हो खुदावंद। हालेलुया हालेलुया, हर प्रकार के भय से आप हमें मुक्त करें खुदावंद, हर प्रकार के भय से आप हमें छुड़ाएं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया, हम उद्धार पाए हुए लोग मृत्यु के भय से छूटे, मृत्यु के भय से छूटे। हम ये जाने कि यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को चट्टान के ऊपर बनाया है, मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होते हैं,
मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होते हैं। खुदावन का कलाम कहता है, यीशु मसीह आसमान में उठाए जाने से पहले अपने चेलों को कहता है कि मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने वो कुंजियां जीती हैं, खुदावन यीशु मसीह ने वो जय प्राप्त की है। खुदावन यीशु मसीह है जो मौत को ललकारता है और कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। खुदावन जैसे पौलुस फिलिप्पियों 3:10 में कहता है कि मैं खुदावन की मृत्यु का स्वाद चखना चाहता हूँ। मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ्य कैसी होती है, मैं उसका स्वाद चखना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। खुदावंद, खुदावंद जब पौलुस जैसा सेवक खुदावंद अपने उद्धार को जानता है, अपने विषय में पाई हुई मुक्ति को पहचानता है, अपने उद्धार को पहचान में आता है, तब वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना लाभ है। मैं मरूंगा तो मैं अपने खुदावंद खुदा के पास सदा के लिए पहुंच जाऊंगा। इसलिए खुदावंद मृत्यु का भय हमारे जीवन से निकालें, खुदावंद मृत्यु का डर हमारे जीवन से निकालें, मृत्यु का भय हमारे जीवन से निकालें। हालेलुया, हालेलुया। हम उनसे ना डरें जो हमें घात कर सकते हैं, हालेलुया, हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु हम उससे डरें जो हमारे शरीर और प्राण दोनों को नरक की आग में घात करता है। खुदावन खुदा वह है, यीशु मसीह वह है, हालेलुया। वह सच्चा न्यायी है, वह सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, हालेलुया, जो भय के योग्य है, जो रेवरेंट है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो खुदावंद, महिमा हो खुदावंद। हालेलुया, स्तुति हो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंद, हालेलुया। तारीफ हो खुदावंद, हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावंद, शुक्रगुजार होते खुदावंद, आपकी महिमा आपकी सना गाते खुदावंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। क्रूस उठाएंगे हंसते हुए, जान गवा देंगे जीते जीते। क्रूस उठाएंगे हंसते हुए, जान गवा देंगे जीते जीते। अपना करेंगे इनकार सदा, यीशु के पीछे हो लेंगे। अपना करेंगे इनकार सदा, यीशु के पीछे हो लेंगे। डरेंगे नहीं मौत से कभी,
यीशु के पीछे चले हम सभी, डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। नम्र बनेंगे झुकते हुए, पांव धोने को होंगे खड़े। खुदावंद हमने नम्र बना, हम नम्र बने, हम दीन बने, मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी, यीशु के पीछे चले हम सभी, यीशु के पीछे चले हम सभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। यीशु के पीछे चले हम सभी, यीशु के पीछे चले हम सभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। खुदावन तेरे पीछे हम चले, तुझसे आगे ना बढ़े, अपने चरवाहे की आवाज को पहचान कर तेरे पीछे पीछे हम चलते रहे। तेरे वचनों में हम बने रहे, तेरी लाठी से हमें तसल्ली मिले, तेरे पीछे चलना हमारा बचाव है। यदि हम तेरे पीछे चलना छोड़ देंगे तो जंगली जंतु हमें घेर लेंगे, वाइल्ड बीस्ट, जंगली जंतु हमें घेर लेंगे। के पीछे
मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चल संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, 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 वापस ना लौटूंगा यीशु के पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, लौटूंगा। मेरे अजीजो, खुदावंद का कलाम हमें बताता है, कहता है लूत की पत्नी को याद रखें। लूत की पत्नी का इतना जीवन खोलकर बताया नहीं गया है, लेकिन किस बात में फिर याद करना है। लूत की पत्नी को हमने स्मरण रखना है, क्योंकि उसने वापस मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा लूत की पत्नी ने, और ये कितना गंभीर है यदि हम उस वचन को पढ़ें। मेरा बाइबल, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। 12 आयत से हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन, क्यों कहते हैं यीशु मसीह कि लूत की पत्नी को याद रखें। लुका की इंजील में ये लिखा, यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को याद करें, याद रखें। क्यों याद रखना है?
इधर एक घटना गौर करने वाली बात है। वो सब हम जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ। 15 ऐसे लिखा है, जब पांव फटने लगी, सुबह होने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे भजन संहिता 1 अध्याय, क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। अगर खड़े होंगे तो उनके साथ ही हम भी नष्ट होंगे। इसलिए प्रभु के वचन में जोड़े जोड़े पढ़ते हैं और खुदावंद का रूह जोड़े जोड़े हमें देता है। क्या कहता है प्रभु का वचन? कुरिन्थियों 3:6 में लिखा है, 17 वचन में, 2 कुरिन्थियों 6:17-18 पढ़ते, 14-15 कहता है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? परमेश्वर की हैकल, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध? कहता है उनमें से बाहर निकलो। क्या करना? उनमें से बाहर निकलो और किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर परमेश्वर की हजूरी में ग्रहण होना है तो दुष्टों की युक्ति पर चलना बंद करना, पापियों के मार्ग में खड़ा होना बंद करना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना बंद करना। इधर हम क्या पढ़ते हैं, जब पांव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लिखा है, पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। उन्होंने विलंब किया, विनतियां करने लगे वो, और यहोवा के दूतों ने उनके हाथ पकड़कर उनको खींच के बाहर निकाला। और किन किन को निकाला? उसको, लूत को, उसकी पत्नी को और दोनों बेटियों को निकाला क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी। उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, क्या कहा? अपना प्राण लेकर भाग जा। अपना प्राण, यानी अपना प्राण लेकर भाग, अपने प्राण के लिए भाग, रन फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए भाग, अपने जीवन के लिए भाग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर ना ताकना। ये आज्ञाएं हैं प्रभु की, पीछे की ओर ना ताकना, ये उपदेश है प्रभु का। कहता मिस्र को ना लौटना, कितनी बार कहता है, बार बार कहता है। कहता उस मार्ग को दोबारा, जब वो कहता है कि ना दाएं देखना ना बाएं देखना, देखना मतलब मार्ग सीधा ही है, और दाएं बाएं नहीं देखना तो पीछे देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीछे देखने के लिए दाएं बाएं तो होना पड़ेगा, है नहीं? क्या है? पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आप आज के समय में जाएंगे वहां पर तो सदोम आज भी उधर सल्फर गंधक भरा हुआ है, उधर से मिट्टी उठाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, उनको आग लगाकर देखेंगे तो जैसे सल्फर आग पकड़ता है, पिघल जाता है, तो वैसा है। 18 आयत में लिखा है, लूत ने उससे कहा, ए प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर
मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? 21 आयत में उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। एक तरफ ये भी कह रहे हैं दूत, अगर तू नहीं गया तो फिर भस्म हो जाएगा साथ में, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जब तक तू वहां पहुंचेगा नहीं तब तक मैं इनको नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अनुग्रह की दृष्टि है, कृपा की दृष्टि है। ऐसा ही होने वाला है, जब तक नूह जहाज में नहीं घुस गया तब तक जल प्रलय नहीं आया, जब तक लूत उस नगर से बाहर नहीं गया तब तक आग नहीं उतरी। ऐसा ही जब महाकलेश इस धरती पर आने वाला है, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं, हम जल्द जाने वाले हैं। हालेलुया। अगर सीधे सीधे भागते रहेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो 23 आयत में लिखा है, इधर लूत की पत्नी का विषय कितना गंभीर है वो ध्यान दीजिएगा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। साइंसदानों का कहना है कि जो सूर्य है वो गंधक से जलता है, गंधक है उधर, हाँ जी। और बाइबल बयान करती है, मुझे अभी याद नहीं स्क्रिप्चर, लेकिन जो नरक की आग है वो भी गंधक ही है, हाँ जी, हाँ पढ़ लीजिए, पता है तो। तीस का 33 पढ़िए यशायाह में। सुलगाएगी रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20 का 10 भी पढ़ी। उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। बस तो नरक की आग में भी क्या है, गंधक है जी। तो इधर क्या बरसाई खुदावंद खुदा ने, गंधक बरसाई। तब यहोवा ने 24 आयत 19 का उत्पत्ति, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों की मतलब नरक की उतार दिया उस शहर के ऊपर,
समझ रहे हैं आप आग और गंधक? उधर क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? नरक जैसी सजा दी है उनको, भस्म हो गए, कितना भयानक है। और उन नगरों की और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। उधर नगर, उधर जो तराई है, जो घाटी है, जो वैली है, वो आज भी सल्फर से भरी हुई है। लोग जाते हैं उधर देखने के लिए, वीडियो बनाते हैं, तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं, देख सकते हैं। फिर लिखा है लूत की पत्नी ने जो उसको उसके पीछे थी, किसके पीछे थी? अब ध्यान दीजिएगा, इधर लूत की पत्नी लूत के आगे नहीं, किधर है? पीछे है। लूत को पता चला, लूत जब ठिकाने पर पहुंचा तब जाकर पता चला कि पत्नी तो पीछे ही रहेगी, उनको देखने के लिए वो खुद भी पीछे मुड़ नहीं सकता था। उसकी पत्नी का क्या हुआ लूत को मालूम नहीं, कब मालूम हुआ? जब उधर पहुंचा ठिकाने पर। लिखा है लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, लूत की पत्नी लूत के पीछे थी, लूत आगे भाग रहा था, पत्नी पीछे भाग रही थी, और जब पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और पत्नी नमक का खंबा बन गई, लूत इस बात को देख भी नहीं पाया। कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है, धुआं धुआं उठ रहा है। दूर दूर देश देश के लोगों ने उसकी तबाही को देखा, उस धुएं को देखा। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम के कारण लूत के ऊपर कृपा दृष्टि हुई, क्योंकि अब्राहम विनती करता है परमेश्वर से कि प्रभु यदि वहां पर धर्मी होंगे तो क्या तू उन धर्मियों को भी पापियों के संग नष्ट कर देगा? प्रभु ऐसा नहीं करता है, हर एक व्यक्ति को अपने ही काम का प्रतिफल मिलता है। दुष्ट दुष्टता का भार ढोएगा और धर्मी धार्मिकता का फल प्राप्त करेगा, धर्मी होने का फल पाएगा। हालेलुया। सो कितना गंभीर है लूत की पत्नी को याद रखने का विषय, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पता भी नहीं चलेगा किसी को। अब कलीसिया में चलते चलते भी कितने पीछे मुड़कर देखते हैं और बाकियों को पता नहीं होता कि वो व्यक्ति पीछे मुड़ा हुआ। ऐसे ही छूट जाएंगे, रह जाएंगे सदा के क्लेश को भोगने के लिए। उसके बाद 7 साल का काल ऐसा आने वाला है, 3.5 साल के लिए शांति आएगा, सारे धर्म एक हो जाएंगे। आज जो मजाक बना रहे हालेलुया हालेलुया का मजाक चल रहा है, वो बंद हो जाएगा, तभी सब धर्म एक हो जाएंगे। उसी की तैयारी में चल रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। पोप ने सब धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया और सब एकता में चल रहे, कहते कि हमारा सबका ईश्वर एक ही है। तुम भी अब्राहम के ईश्वर की उपासना करते हो, मुसलमान भी अब्राहम के ईश्वर की उपासना करते हैं, यहूदी इसराइली भी अब्राहम के ईश्वर की उपासना करते हैं, मसीह लोग भी अब्राहम के ईश्वर की ही उपासना करते हैं। तो पोप ने इन तीनों को इकट्ठा करता है, उसी डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। 3.5 साल तक शांति आएगा इस धरती के ऊपर, कोई युद्ध नहीं होगा, फिर
पर उससे पहले युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, है जी। लेकिन एक आएगा जो लोगों को भरमाने वाली शांति में डालेगा, शांति एक भ्रम होगी। कलाम कहता है कि उसको वेरीफाई एक नबी करेगा, एक नबी उसको वेरीफाई करेगा, झूठा नबी। लोगों का कहना है, कई यूट्यूब पर जो है विचार आदान प्रदान करने वाले जो है उस नबी को पोप कहते हैं कि पोप उसको वेरीफाई करेगा कि ये है विरोध जो जो हमारा असल मसीह है। पोप कहता है, पिछले दिनों में पोप कहता है कि ये बाइबल आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई, अब हमें नई बातें लिखनी चाहिए, क्योंकि ये जब पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि जब उन्होंने देवी देवताओं के उपासना स्थल को ढाया तो उन्होंने शौचालय बना दिया। ऐसा प्रचार आप करेंगे तो शांति कैसे आएगा धर्मों के बीच में? आप कहेंगे यीशु मसीह ही उद्धार है तो वो बोलेंगे हमारा क्या है, हम जिसकी उपासना करते तो वो क्या है, तो शांति कैसे आएगा यीशु मसीह के प्रचार से? तो पोप का कहना है ये आउटडेटेड हो गया है, इसको बदल देना चाहिए, नया बाइबल लिखना चाहिए जिसमें क्या हो, सब धर्म एक साथ मिलकर शांति में आ पाए। वो पोप कहता है, यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हैं, आप देखिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में, है नी? तो उस शांति की ओर जा रहे हैं। अगर इधर छूट गए लूत की पत्नी के जैसे तो 3.5 साल का शांति जरूर देखेंगे, लेकिन वो झूठा शांति है। उसके बाद वो शांति देने वाला अपना असली रंग दिखाएगा, महाकलेश आएगा। कलाम कहता है उन दिनों में लोग मृत्यु को मांगेंगे, ऐसी पीड़ाएं होंगी। अभी आप इज़राइल के वीडियोस देख रहे हैं, बच्चों की आंख निकाल ली, अंग काट दिए, किसी का ब्रेस्ट काट दिया, किसी का आंख निकाल दिया, किसी के उंगलियां काट दी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी वो पीड़ा जो अभी आने वाली है, वो उसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो धरती पर ना कभी हुआ है वैसा, ना कभी होगा, वो आखिरी कलेश है। ऐसा कलेश इस धरती पर आने वाला है, दिन बुरे आने वाले हैं। जो लोग प्रचार करते हैं और प्रोफेसीज करते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो झूठे हैं। दिन आगे चलकर बुरे ही आने वाले हैं, बुराई इस धरती पर बढ़ने वाली है, अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म का त्याग हो जाएगा, प्रीत ठंडी पड़ जाएगी, आपसी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पुराने समयों में हम गांव में जाते थे तो मसीह का प्रचार करते थे, हम रिक्शा चलाते थे, रिक्शे के ऊपर भोपू लगा के, बड़ा स्पीकर बैटरी रखा एक साथ में इस रिक्शे के ऊपर, और हम प्रभु के दास लोग मिलकर बारी बारी रिक्शा चलाते, पैंडल मारते, और एक जन प्रचार करता, एक जन गीत गाता, ऐसे हम प्रचार किए उधर। और उन दिनों में लोगों के घर पे जाते, दूसरे धर्मों के भी लोग हमें अपने घर में बुलाते, चाय पिलाते, पानी पिलाते, लस्सी पिलाते। आज के समय में ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, अब जाओगे तो डंडे पड़ेंगे, अब जाओगे तो धर्मांतरण करके आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन हमसे ज्यादा तो कैथोलिक लोग करते हैं, हम नहीं करते धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हम नहीं करते। जब कैथोलिक में आपको बोला जाए कि आपके बच्चे की फीस माफ हो जाएगी जी, आपको ये सहूलत दे देंगे, आपको ये सहूलत मिलेगी, उसको धर्म परिवर्तन कहते हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम तो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। जो तौबा करना चाहता है वो तौबा करे, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, जो करेगा बचेगा, जो नहीं करेगा नहीं बचेगा। हाँ जी, ये हमारा प्रचार है, ये हम प्रचार करते हैं। और पिछले दिनों में कैथोलिक लोग ही इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो लोकल पास्टर हैं, ये सब लोग क्या हैं जी, ये हमें रिपोर्ट नहीं करते, ये हमारे दायरे से बाहर होते हैं, है जी, ये करते हैं धर्म परिवर्तन। असल में कैथोलिक लोग ही करते हैं जो आपको सहूलतों का लालच देते हैं,
और फिर आपको सच्चे मसीह के साथ भी नहीं जोड़ते, एक छोटा बाल यीशु आपके पास ले आते हैं और कहते हैं इसके सामने झुको, इसको इसके पाँव को चूमो, सच्चा मसीह नहीं देते आपको। सच्चा मसीह तो खुद आपके पाँव धोता है, वो नम्र और दीन है। हालेलुया, वो चेलों के पाँव धोता है। हालेलुया, हालेलुया, वो मूर्ति लेकर आ जाते हैं, सच्चा मसीह बोलते हैं कि ये सच्चा मसीह है। तो ऐसा समय इस धरती पर आने वाला है, हमें बड़ा ही चौकस होना ज़रूरी है और ध्यान से देखें अपने जीवन को कि कैसी चाल चलते हो। पीछे मुड़कर ना देखिएगा, लूत की पत्नी को स्मरण रखिएगा, उन कामों को जो पीछे किए या जो आपसे हुए या जिनके संबंध में आपने अपने पास कोई चीज़ें रखी हैं, उन सब चीज़ों को निकाल दें, पीछे की बातों को छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया, पीछे की बातों को छोड़कर हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो लूत की पत्नी को याद रखें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो खुदावंद, खुदावंद हम स्मरण रखें आपके उपदेश को, पीछे ना मोड़ने के उपदेश को हम स्मरण रखें। जैसे इसराइलियों को मिस्र बहुत याद आता था, मार्ग में चलते चलते उनको मिस्र की मछलियां याद आई, मिस्र के तरबूज, खरबूजे, प्याज, लहसुन उनको बहुत याद आया करते थे और कहते कि उधर हमें मांस भी खाने को मिलता था, इधर तो सिर्फ मन्ना ही मिलता है। और कलाम हमें बताता है परमेश्वर उन्हें सिर्फ मन्ना क्यों देता था। व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें भूखा रखा ताकि देखे उनके मन में क्या है, ताकि उन्हें दीन बनाए, उन्हें नम्र बनाए। हालेलुया, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का तंगी, वो परमेश्वर को छोड़ तो और कोई ला नहीं सकता है, वो दीन बनाने के लिए, हमें नम्र बनाने के लिए। हालेलुया, ताकि हम ये जाने कि हम जीवित खाने से, हमारे इनकम सोर्स से, हमारे कमाई के द्वारा हम जीवित नहीं हैं, हमारी मेहनत, हमारे काम के द्वारा हम जीवित नहीं, यहोवा प्रोवाइड करता हमें, यहोवा मुहैया करता हमें, इसलिए हम जीवित हैं। यहोवा हमारा प्रोवाइडर, हमारा मुहैया करने वाला, हमारा अता करने वाला, हमारा दाता है, जिसके पहाड़ पर उपाय होता है, जो इंतजाम करता है, उसके द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हालेलुया, कहता यदि कोई मनुष्य सोचे कि मैं पराए देश में जाकर एक साल वहां पर बिताऊंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा, कहता है कि तुम सुन तो लो, तुम हो क्या, तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। इसके बदले हमें यह कहना चाहिए कि यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम ये या वो काम करेंगे, यदि परमेश्वर ने चाहा। हालेलुया, बड़ी बड़ी चीजों को बातें करना, बड़ी बड़ी डींगे मारना हम बंद करें, बड़ी बड़े बोल बोलना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, ये बंद करें और प्रभु के ऊपर अपने भरोसे को डालें, प्रभु के ऊपर अपने ईमान को रखें, उस पर भरोसा करें, उस पर ईमान लाएं, उसको अपनी आशा माने। हालेलुया, उसके पीछे पीछे चलें, उसके आगे ना बढ़ जाएं। कलाम कहता है जो मसीह
से आगे बढ़ जाते हैं, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। मानो जो बाइबल नहीं बताती है उन बातों को हम प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, उनमें चलते हैं, तो हम मसीह से आगे बढ़े हुए लोग हैं। और चरवाहे के भेड़े पीछे चलती हैं, आगे नहीं चलती, चरवाहा उनके आगे आगे चलता है। अगर आप मसीह के आगे चले गए हैं तो ये आपकी पहचान है कि आप भेड़ नहीं, आप बकरे हो। बकरा जो सींग मारता है, बकरा जो कहना नहीं मानता है, भेड़ तो चरवाहे की आवाज़ पहचानती है और चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादे और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहां जाए उसके कदम, जानता हूं कि यही रास्ता जाएगा यरूशलम, जानता हूं कि यही रास्ता जाएगा यरूशलम, पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो, इसलिए मैं पूछता नहीं रा कहाँ ले जाता है, इसलिए मैं पूछता नहीं रा कहाँ ले जाता है। मैं खुदावन से पूछता भी नहीं, खुदावन तो किधर लेकर जा रहा है। हालेलुया। अब्राहम के विषय में जैसा लिखा है कि वे विश्वास से चलता गया लेकिन नहीं जानता था कि किधर को जाता, परमेश्वर जिधर उसे बोलता था वे उधर जाता था, उधर वे अपना डेरा बांधता था, फिर उधर से कूच करता था, फिर आगे बढ़ता था। इज़राइल भी जब मिस्र की गुलामी से निकला तो ऐसे ही निकले, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन देता था, परमेश्वर उनको लेकर चलता था। इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहां ले जाता है, जीवन की परिस्थितियों को लेकर इन बातों को सोचें और मनन करें, खुदावन से सवाल ना करें कि खुदावन तो किधर लेकर आ गया, खुदावन ये कहां आ गया, मैं इस परिस्थिति में कैसे फंस गया मैं। इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहां ले जाता है, डरूंगा ना यहां कभी, यीशु राह दिखाता है, कहना मानकर उसके पीछे चलूंगा नम्र मन से, कहना मानकर उसके पीछे चलूंगा नम्र मन से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए,
क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। खुदावन तू मुझे अपने पीछे चलना सिखा, मैं तेरे पीछे चलूं, तेरा अनुयायी हूं खुदावन, तेरा ठीक चेला ठहरूं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, यदि हम खुदावन के वचन के अंदर बने रहेंगे तो हम ठीक उसके चेले ठहरेंगे। खुदावन मैं तेरा ठीक चेला ठहरूं, मैं तेरा ठीक चेला ठहरूं। आज जब सुनते हैं लोग वीडियो भेजते हैं कि पास्टरों ने ऐसा किया, पास्टरों ने वैसा किया, खुदावन ऐसा, तो हमें बचा खुदावन, ऐसी चीज़ों से तू हमें बचा। हम अपने शरीर में कॉन्फिडेंस नहीं लाते, अपने शरीर में खुदावन हम भरोसा रखकर नहीं चलते। वी पुट नो कॉन्फिडेंस इन फ्लैश, शारीरिकता में, अपने शरीर में, ताकत में, अपने बल में हम विश्वास करके नहीं चलते। लेकिन तू हमें बचाए रख खुदावन, जैसे लूत को तूने बचाए रखा वहाँ पहुँचने तक। तूने कहा मैं तब तक इसको नष्ट नहीं करूँगा जब तक मैं तुझे वहाँ पर पहुँचाऊँगी। हालेलुया। उद्धार के दिन के लिए जो आत्मा ने हमारे माथे पर परमेश्वर की मोहर दी है वो मोहर लगी रहे। बयाने में जो पाखरू दिया है वो पाखरू हमें तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा आगमन खुदावन जल्द घटने जा रहा है, तेरा आगमन जल्द होने जा रहा है खुदावन, तू जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। शायद आज, शायद कल, शायद परसों, शायद अगले हफ्ते, शायद एक महीने के बाद, चाहे साल के बाद, चाहे अभी इसी वक्त। हालेलुया, हम तैयार रहें, हम तैयार रहें, हमारी कुप्पियों में तेल हो और मशालें भी जलती हों। हालेलुया, हम रूह से भरे हुए हों। हालेलुया, तेरी बाट जोते हैं खुदावन। हालेलुया, जब तू आए खुदावन हमारे जीवन में यदि थोड़ी बहुत कमियां हो तो तू क्षमा करना खुदावन। जैसे तूने लूत की विनती स्वीकार की है, हमें भी स्वीकार कर लेना खुदावन, हमें भी स्वीकार कर लेना, हमें भी अपने साथ ले जाना, सारी कमियों को दूर कर देना खुदावन। तू ये करने के योग्य है, मृत्यु की कुंजियां तो तेरे ही पास हैं। तू जिसको उधर भेजेगा वही जाएगा, तू जिसको उधर नहीं भेजना चाहता तू उसको बचा लेगा। ये तेरे ही हाथ में खुदा, तेरा अनुग्रह इस छोटे झुंड पर हो खुदावन, तेरी दया इस छोटे झुंड पर हो खुदावन, तेरी करुणा इस छोटे झुंड पर हो खुदावन, तमाम तेरे भक्तों पर हो खुदावन, जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया, वे तेरी भलाई को, तेरी निजात को, तेरे उद्धार को देखने पाए खुदावन, तेरी मुक्ति को देखने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया, तेरे किए हुए उद्धार को वे देखें। हालेलुया, हालेलुया, तू उनका पूरा पूरा उद्धार कर खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा खुदावन, तू हमारे अंदर की अधूरी बातें खत्म कर दे खुदा। हालेलुया, जब तू आएगा तो अधूरा मिटा देना खुदा। हालेलुया, सारा अधूरापन मिट जाए खुदा। हालेलुया, हम तुझ में परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो खुदा, तेरी दया हम पर हो, तेरी करुणा हम पर हो प्रभु, इस छोटे झुंड पर हो खुदा। खुदावंद ये इस परिवार के ऊपर भी आपकी करुणा चाहते प्रभु। खुदावंद ये मियां बीवी जो पहली बार हमारे साथ संगति में जुड़े, इनके ऊपर भी तेरी करुणा हो, तेरी दया हो प्रभु, इनको ब्लेस कर, इन्हें आशीष कर प्रभु। हालेलुया, ये आत्मा में उन्नति पाए, तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए प्रभु, तेरी करुणा इन पर चाहते हैं प्रभु, इनके परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु, तू अपने भय में चलना इन्हें सिखाए प्रभु। इस भाई के शरीर में जो भी परेशानी है खुदावन, तेरा फजल इस भाई के जीवन में आए, उकाबों के समान नया बल इन्हें अता करे खुदा।
उकाबों के समान इन्हें नया बल अता करे खुदा। ये बहन जो मेहनत करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं खुदा, तो इनके ऊपर करुणा कर, इनको आशीष कर, इनको ब्लेस कर खुदा। हालेलुया, ब्लेस कर खुदा, अपने रूह से भर, पवित्र आत्मा की भरपूरी इन्हें दे, पवित्र जीवन दे, पवित्र चलन दे खुदावन, अपने आगमन के लिए तैयार करें प्रभु। इस छोटे झुंड को आशीष करें प्रभु। तमाम भाई बहन जो इस समय साथ में जुड़े हैं प्रभु, सबके ऊपर आपकी करुणा को चाहते हैं प्रभु, सबके ऊपर आपकी दया को चाहते हैं प्रभु यीशु। आशीष करें प्रभु, ब्लेस करें खुदावन, अपने रूह से भरें प्रभु, अपने रूह से भरें। जो ऑनलाइन सुनते हैं प्रभु, गूगल मीट के द्वारा जुड़े हैं, सबके ऊपर आपकी आशीष को उंडेलें प्रभु। इस समय आपकी हजूरी से आप इन्हें भरें, पवित्र उपस्थिति से इन्हें भरें खुदावन, पाक हजूरी से भरें, पवित्र हजूरी से भरें। हालेलुया, अपने रूह से भरें खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया खुदावन। जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदावन, उनके ऊपर आपकी आशीष हो, उनके ऊपर आपकी बरकत हो खुदावन, ब्लेस्ड हो खुदावन, आत्मा में उन्नति करें, आत्मा में बढ़े, आशीष पाए खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि इनमें से कोई रोगी है तो आपकी इच्छा के अनुसार आप उन्हें शिफा दें। यदि कोई पाप में, पाप के बंधन में है, पाप की गुलामी में है, छूट नहीं पा रहे, छूटना चाहते, खुदावंद आपका पाक लहू इस समय छुटकारा करे खुदावंद, आपका पाक लहू सारे बंधन तोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारा जकड़न टूटने पाए, आजादी मिले प्रभु, तेरे पाक रूह से आजादी मिले खुदावंद। आपका कलाम बताता है जहां आपका रूह है वहां पर लिबर्टी है, आजादी है, मुक्ति है, निजात है, छुटकारा है। तेरे रूह को इस समय आपके भक्तों के ऊपर मांगते प्रभु, तू छुटकारा दे खुदावंद, तू छुटकारा दे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया खुदावंद। अभी हम वचन में से पढ़ रहे थे, आपके कलाम में से पढ़ रहे थे भजन संहिता 32 अध्याय में, कि तू हमें छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, 32 का साथ में, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, मेरे हृदय में छुटकारे के गीत आएंगे, मैं छुटकारे के गीत गाऊंगा कि खुदावन ने मुझे छुड़ाया है, खुदावन ने मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया, छुटकारे के गीत मैं गाने पाऊं खुदावन, ऐसा काम तू हमारे जीवन में कर खुदावन। हालेलुया, इस छोटे झुंड में गंभीरता आए खुदावन, लोकल संगति वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, गंभीरता आए खुदावन, आपके प्रति गंभीरता आए खुदावन, आप इन्हें गंभीर करें, आप इन्हें गंभीर करें खुदावन, अपने हाथ में लीजिए खुदावन, और गंभीरता आए खुदावन। अंतिम दिनों में जो गंभीरता आपके भक्तों में होना चाहिए वैसा हो, वैसा आए यीशु मसीह के नाम से, वैसा आए यीशु मसीह के नाम से, वैसा आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। खुदावन जो ऑनलाइन सुनते खुदावन, वे भी बेदार हो, बेदार हो खुदावन। हालेलुया, रिवाइव हो खुदावन, फिर से आपके रूह से भरे, आपका स्वाद चखें। हालेलुया, आपकी हजूरी, आपके अद्भुत कामों को देखें इन अंतिम दिनों में। हालेलुया, हालेलुया, आपको, आपके लोगों को खुदावंद हम बढ़ते हुए देखें, आपके नाम को हम बढ़ता हुआ देखें खुदावंद। इन अंतिम दिनों में जितने बच सकते हो वे बचे, जितना प्रचार हो सकता है खुदावंद अपने सच्चे दासों को खड़ा करें, इंतजाम करें खुदा, मुहैया करें सच्चे दासों का। आपका कलाम कहता है कि खेत पक चुका है, कटनी तैयार है, मजदूर थोड़े, मैं प्रार्थना करता हूँ मजदूर आने के लिए प्रभु, सच्चे मजदूर आने के लिए खुदा, सच्चे मजदूर आने के लिए। हालेलुया खुदावंद, ऐसों को आप इस आप अपने झुंड में से निकालें जो आपकी भेड़ों को मार मुकाते हैं खुदा, जो आपकी भेड़ों को खा जाते हैं। हालेलुया, कल रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पास्टर किसी लड़की को भगा के ले गया, कितना दुखद बात है ये,
खुदावंद ऐसे लोगों से अपनी भेड़ों को छुड़ाए, ऐसे लोगों से आप अपनी भेड़ों की रक्षा करें। आपका कलाम बताता है कि जो मेरी भेड़ों को मारते हैं, खत्म करते हैं, जर्मिया की पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, उसका 23 अध्याय में, उन चरवाहों पर हाय, एक वचन में, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। खुदावंद, ये आपकी ओर से शापित हो, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ये कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की शुद्धि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन पर उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। खुदावंद कर दे, ऐसे चरवाहे नियुक्त कर खुदावंद, ऐसे चरवाहे नियुक्त कर जो उनको चराएं, जो उनकी चिंता करें। जैसे पौलुस कहता है, मेरे पास तिमोथियस को छोड़ के और कोई नहीं है जो आपकी चिंता करता है। खुदावंद, उस समय भी ऐसा था, पौलुस के पास तिमोथियस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही है उसके पास। खुदावंद, हम विनती करते हैं इन दिनों में कई तिमोथियस खड़े हों खुदावंद, जो सच में आपकी चिंता करें, आपकी प्रजा की चिंता करें, आपकी भेड़ों की चिंता करें। खुदावंद, ऐसे सेवक खड़े करें खुदावंद, ऐसे सेवक खड़े करें जो पैसे के लिए सेवा में उतरे हैं, उनको आप निकालें खुदावंद। जो खुदावंद लोभ और लालच के लिए सेवा में उतरे हैं, उनसे आप अपनी कलीसिया को साफ करें खुदावंद। जो लोग नाम और प्रसिद्धि के लिए सेवा में आए हैं खुदावंद, उनसे अपनी कलीसिया को बचाएं, उनसे आप अपनी भेड़ों को छुड़ाएं मेरे परमेश्वर यहोवा। खुदावंद, केवल वे जो सच्चे मन से आपकी भेड़ों की चिंता करते हैं, जिनके याजकों के जैसे कंधे पर और सीने पर प्रजा का बोझ है खुदावंद, केवल वही सेवकाई में रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, मैं विनती करता हूँ, ये संभव नहीं है। आपका कलाम बताता है कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे नबी उठेंगे, लेकिन खुदावंद आपके चुने हुए निकले, आपके चुने हुए उनसे छूटे, आपके चुने हुए उन लोगों से आज़ाद हो जाएं खुदावंद, उन झूठे नबियों से, उन झूठे प्रेरितों से, उन पापा डैडियों से खुदावंद, जो अपने आप को कलीसिया का बाप बनाकर बैठे हैं, उनसे आप अपने भक्तों को छुड़ाएं, उनसे आप अपने लोगों को छुड़ाएं मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके लोगों पर हो खुदावंद, आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके लोगों पर हो खुदावंद, आपकी दया आपके लोगों पर हो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह करें खुदावंद, इन अंतिम दिनों में जितने बचते हैं खुदावंद, अधिक से अधिक बचे, क्योंकि आपका कलाम बताता है तिमोथियस की पत्री में आपकी इच्छा जाहिर की गई है। दूसरा तिमोथियस 2:2-3 आयत जब हम पढ़ते तो कहता है, ये हमारे प्रभु परमेश्वर को भाता है और उसे ये अच्छा लगता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, लेकिन हर कोई जो अपनी मर्जी से चलता है, अपना मार्ग खुद चुनता है, वह नष्ट होने वाला है। जो खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, वह नष्ट होने वाला है। जो खुदावंद यीशु मसीह को नकारता है, वह नष्ट होने वाला है। खुदावंद, तो भी जितने आपकी इच्छा है खुदावंद, उतने बचे खुदावंद। हालेलुया, जिनको आपने चुना है खुदावंद बचे। हम जानते हैं कि अंतिम दिनों में चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, चुने हुए लोग भी भ्रम में आ जाएंगे, लेकिन हम विनती करते हैं उनके लिए, हम दुआ करते हैं इस समय उनके लिए। हालेलुया, तू अपने लोगों की रक्षा कर खुदावंद, तू अपने लोगों की रक्षा कर खुदावंद, हर भ्रम से आप हमें छुड़ाएं खुदावंद। खुदावंद, जैसे सुलेमान लिखता है नीति वचन 30 अध्याय उसका 5-6 आयत में, कि कहता है, दो वर मैं यहोवा से मांगता हूँ, एक ये कि हर एक झूठी और मिथ्य बात जो है वो मुझसे दूर रहे, और दूसरी ये कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, और मैं
धनी भी ना हो जाऊं कि मैं घमंडी होकर कहूं कि यहोवा कौन है, ऐसा जीवन तू मुझे दे, मेरी रोज की रोटी मुझे अता कर। खुदावन ये दो चीजें हम भी मांगते हैं, हर एक झूठे मार्ग से हमें बचा, हर एक झूठी बात से, हर एक झूठ फरेब से, हर एक भरम से आप हमें बचाएं, और खुदावंद हमारी रोज की रोटी हमें अता करें। खुदा लूत के जैसे उस नगर तक पहुंचने तक खुदावंद तू हमारी रक्षा कर। खुदावंद नए यरूशलम पहुंचने तक, सियोन देश तक पहुंचने तक तू हमारी रक्षा कर खुदा। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति, महिमा 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 हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद। हालेलुया, अनुग्रह करे प्रभु, दया करे खुदावंद, दया करे खुदावंद, दया करे खुदावंद, दया करे खुदावंद। हालेलुया, 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 स्तुति हो, महिमा हो खुदावंद, महिमा हो खुदावंद, आपका अनुग्रह आपके लोगों पर हो खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, जब तू आए तो हम तुझे देख छातियां ना पीटने वाले हो, हम तुझे देखकर आनंद से भरने वाले हो खुदावंद, आनंद से भरने वाले हो खुदावंद। हमारा प्रभु जिसकी हम बाट जोते हैं वे आ गया है, ऐसा आनंद से हम भर जाए खुदावंद। हालेलुया, पृथ्वी के लोग कई छातियां पीटेंगे, हाय मारेंगे कि हमने प्रभु के ऊपर ईमान क्यों नहीं किया, हमने प्रभु को क्यों नहीं माना, हमने सोचा कि हमारा धर्म सच्चा था, हमने सोचा था हमारी शिक्षा सच्ची थी, लेकिन छूटने वाले फिर छातियां पीटेंगे खुदावंद। इस समय तू बहुतों को निकाल खुदावंद, जितनों को बचा सकते हैं खुदावंद वो बचे खुदावंद, सेवकों को खड़ा करें खुदावंद, हमें ऐसा बोझ दें खुदावंद, आपका अनुग्रह आपकी दया हम सब पर हो। हालेलुया, पृथ्वी बड़ी विपत्ति से गुजरने वाली है, तेरे क्रोध के कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेले जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक अपोलो नामक एक फरिश्ता खोला जाएगा जो इस पृथ्वी पर एक तिहाई लोगों को मार डालेगा, एक तिहाई, 1/3 यानी एक का 25%, एक रुपए का 25 पैसा, पूरी पृथ्वी का 25% लोग जो है वो खत्म होने वाले हैं। ये महाकलेश में शायद होगा, प्रभु जाने, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। उससे पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, और दुनिया के कई अमीरदार लोग भी इसी चीज में लगे हुए हैं, लोगों को वाइप आउट करने के लिए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए उनका भी यही एजेंडा है। हालेलुया, ऐसे में खुदावंद हमें बने रहने के लिए कृपा दे, खुदावंद हमें अटल उसमें बने रहने के लिए कृपा दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह आपकी दया हम पर बनी रहे खुदा, हम ईमान में बने रहे खुदा, हम ईमान का विश्वास का इनकार ना करें बल्कि अंगीकार करें। हालेलुया, हम यीशु मसीह का अंगीकार करें, यीशु मसीह का अंगीकार करें, सबके सामने माने कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा खुदा है, मैं उसकी उपासना करता हूँ। हालेलुया, ऐसा बल हमें अता करे खुदा। आज की संगति में आप अपनी आशीष को उंडेले, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आज की संगति में आपने हमसे बातें की खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया, तमाम बातों के लिए आपके नाम को महिमा देते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी उस्तत बड़ाई करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।